सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम का ये जो वीडियो है। आज हमारे स्टूडेंट की ग्राफिक्स क्लास हुई है। हम ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ग्राफिक्स, लाइट और टच एक साथ पढ़ा दें। होता क्या है कि उसमें है ना, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करने पूरा नहीं मिल पाता है, और तीनों सेक्शंस बहुत बड़े सेक्शंस हमारे तौर पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा डैड के बाद में इनका काम सबसे ज़्यादा दुकानों पर आता है। तो इसलिए हमने हर दिन पर्टिकुलर इनका एक सेक्शन रखा हुआ है, और अभी हम इनको थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं। पहले इनसे सीपीयू का ट्रेसिंग करवाते हैं, इनके DUA बोर्ड में, हमारे DUA बोर्ड में, प्लस फिर इनकी जो ग्राफिक्स IC है उस पर हम वोल्टेज और एक हॉट टेस्टिंग करवाते हैं। पर्टिकुलर हर IC के वोल्टेज इनसे हम चेक करवाते हैं, और प्लस इसके DSO से भी हम ग्राफिक्स IC चेक करवाते हैं। तो इन सब के वीडियो शूट हुए हैं, आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, और उसके बाद हर स्टूडेंट से हम ग्राफिक्स IC को एलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं। अब वो अपने हिसाब से, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार IC को सीखा और IC को समझा रहा है, बहुत बड़ी बात है एज अ टीचर के रूप में, क्योंकि हमारा ही नारा है टेक्नीशियन टीचर। और इस वीडियो को देखिए और इन स्टूडेंट के सुनहरे भविष्य को प्रेरित कीजिए, इनको शुभकामनाएं दीजिए कि इन्होंने शुरुआत की है और एक अच्छा प्रयास किया है। कि एक स्टूडेंट होता है जो क्लास में सीखने के बाद उसको समझा नहीं पाता है, बहुत दूर की बात होती है। हमारे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, और उनकी कोशिश के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए। मैं वैभव रंजन जमशेदपुर झारखंड से हूँ। आज हमारा क्लास था लाइट को बाईपास कैसे करें डिस्प्ले सेक्शन में। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कैसे बाईपास किया जाए। ये हम लोग को सबसे पहले, ये आपका 12 पिन का आपका IC है, जिसको सबसे पहले सप्लाई हम लोग DC को DC से देंगे 4 वोल्ट, और यहाँ एक बूस्ट कॉइल लगा के ये आपका स्विचिंग होता है, 4 वोल्ट यहाँ मिलता है। उसके बाद हम लोग को ग्राउंड का जरूरत पड़ता है, जो कि ग्राउंड आपको C3, C2 और आपका D1 में रहता है। उसके बाद हम लोग को EN का जरूरत रहता है, जो कि हम लोग को पावर देता है 1.8, जिसको हम लोग यहाँ से बाईपास भी कर सकते हैं, और DC to DC वाला जो IC है 4 वोल्ट, इसको भी हम लोग बाईपास कर सकते हैं, और पावर पे से जो आपको EN आ रहा है उसको भी बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कमांड का लाइन है जो SGSCL है, जो आपको CPU से देता है। दोनों का वोल्टेज आपका सेम है 1.8, जो कि आपका A2 में है और B2 में है। तो इसमें पुल अप रेजिस्टेंस जो लगाया हुआ है 2.2K का, जिसमें से आपको 1.8 देता है। और उसके बाद हम लोग का एक डिस्प्ले कनेक्टर से एक आपको आउटपुट आता है, जो आप लोग का यहाँ पे PWM में A1 में आता है 1.8, जिसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का LCD कनेक्टर का 2 पॉइंट रहता है माइनस वाला, वो आपका B1 से निकलता है, C1 से निकलता है, जो जाके आपको डिस्प्ले कनेक्टर मिलता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक डायोड लगाया रहता है, डायोड के बाद आपका डायरेक्टली प्लस पॉइंट जाके LCD कनेक्टर में जुड़ जाता है। बीच में आपके यहाँ पे कैपेसिटर है, जो 50 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करता है। IC को बाईपास करना, अरे IC को एक्सपेंड करना। हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं, और 4 वोल्ट डायरेक्ट इसके बाद आता है डिस्प्ले कनेक्टर से 1.8 A1 में, तो इसका भी बाईपास हम लोग कर सकते हैं। नहीं टूटा हुआ ट्रैक टूटा हुआ तो बाईपास भी कर सकते हैं। CPU से एक गियर सिग्नल आता है, एक कॉमन लाइन जो A2 और B2 में 1.8, और जो पावर से 2.2 लगा के 1.8 वोल्ट B2 और A2 में देता है। उसके बाद हम लोग ग्राउंड दो कैथोड का लाइन होता है, जो सीधा LCM में जाता है डिस्प्ले कनेक्टर पे, और एक D3 और D3 पाल जो कॉइल रहता है, कॉइल से होके डायोड होके LCD कनेक्टर पे लाइट का वोल्ट देता है, इसलिए लाइट जलता है। चलिए ओके, चलो
मेरा नाम हुसैन है, मैं 28 दिसंबर की बैच से हूँ, एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको लाइट आईसी के बारे में बताऊंगा, उसकी पेडलाइन के बारे में बताऊंगा और उसके जो रिक्वायरमेंट है, जैसे इनपुट है, ईएन सिग्नल है, ग्राउंड है, कमांड की लाइन है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा इस आईसी की क्या रिक्वायरमेंट है। इस आईसी को वर्क करने के लिए सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी से उसको 4 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जो ये बीच बी पे आता है और ये एक बक कॉइल के थ्रू से ये स्विचिंग D3 पे जाता है। उसके लिए उसके बाद में उसको ग्राउंड की ज़रूरत होती है, जो B1 पे है, और उसके बाद उसको कमांड की ज़रूरत होती है, उसके लिए SDA SCL है, और EN सिग्नल की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये A1 A3 पे है, और इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये आउटपुट निकाल देता है और हमको यहाँ यहाँ डायोड के थ्रू यहाँ पे 15 से 40 वोल्ट मिल जाते हैं। तो इसकी PWM की लाइन की भी ज़रूरत होती है, जो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर ये जाता है। थैंक यू। एशिया टेलीकॉम में 28 दिसंबर की बैच में हूँ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं लाइटिंग आईसी के बारे में। आज हमने सुबह से लाइटिंग आईसी के बारे में जाना है और ट्रेनिंग ली है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल 16 वॉल आईसी की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इनपुट मिलने से उसको आउटपुट मिल सकता है। तो सबसे पहले पावर आईसी से 4 वोल्ट की लाइन आती है, जो इनमें होके 4 वोल्ट आपको B3 में आती है और ये 4 वोल्ट बूस्ट कॉइल के द्वारा B3 में जाती है स्विचिंग होके। उसके बाद ये सिग्नल हमको चाहिए होता है 1.8 वोल्ट की, वो भी आपको आपको पावर आईसी से मिलती है, और उसके बाद कमांड की आवश्यकता होती है जो से मिलती है SDA SCL A2 और B2 से, और पावर से 2 पुल अप रेजिस्टर लगे हुए होते हैं सर्किट में 2.2 किलो वोल्ट के। उसके बाद PWM के द्वारा LCM के डिस्प्ले कनेक्टर से PWM पावर आता है 1.8 वोल्ट और 2 पेड। फिर
फिर उसके बाद एलईडी से आईसी से दो कैथोड की लाइन डिस्प्ले कनेक्टर के थ्रू जाती है। उसके बाद ये सब सही होने से हमको हमारा आउटपुट मिल जाता है जो पंद्रह वोल्ट से 45 वोल्ट तक का होता है। आज हमें डिस्प्ले आईसी की बार बोर्ड की आईसी का प्रैक्टिकल करवाया, चोरी करवाया और उसी में बताने जा रहे हैं कि इस आईसी कैसे काम करती है और इसका क्या रिक्वायरमेंट है, तभी ये आउटपुट देती है। सबसे पहले इन जीपीयूएससी आईसी से इन 4 वोल्ट मिलता है, उससे बूस्ट वाले के D3 पे आता है, उसके बाद ग्राउंड इस पर दिया जाता है, उसके बाद कमांड के लिए सीपीयू से एचडी और एचसीएल वोल्ट सीपीयू से निकलता है, फिर उसके बाद पावर से 1.8 वोल्ट दिया जाता है उसके लिए, फिर वहाँ उसके बाद पावर से 1.8 वोल्ट दिया ही जाता है, बोल करेगा उसके बाद यहाँ से क्यू निकलती है, कैथोड की लाइन जाने के बाद ये 1.8 वोल्ट अपना बना के तब इसको देता है, तब ये बूस्ट करके ये आउटपुट वोल्ट निकाल के से बूस्ट होके D3 पर पहुँचते हैं, फिर EN सिग्नल आता है पावर आईसी से A3 पर 1.8, फिर हम पहुँचते हैं कमांड पे CPU से आती है जो 1.8 और HDL SCL जो A2 और B2 पे है, हमें 3 ग्राउंड की जरूरत पड़ती है जो C3 और D1 पे आता है। PWM की लाइन होती है जो 1.8 की होती है जो डिस्प्ले से आती है, और दो कैथोड होते हैं K1 और K2 जो IC से आते हैं B1 और C1। सब कुछ होने के बाद फाइनली हमारा आउटपुट आता है जो 15 वोल्ट से 45 वोल्ट होता है और वो हमारे LCD कनेक्टर में पहुंचता है। हेलो, मैं विवेक गुप्ता हूँ। आज मुझे लाइट सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया था। आज ये हो गया 12 वोल्ट की लाइट थी और इसका आज इसको पूरा डायग्राम मुझे बताया गया था, उसके हिसाब से आज DC ये 4 वोल्ट निकालती है, उसके बाद ये आप फिर आप पावर का आता है वह A3 में 1.8 वोल्ट, उसके बाद आपका ये CPU से आता है आपका ये 1.8 वोल्ट, ठीक है, कमांड आती है, उसके बाद फिर पूरा प्रीस्टर लेवल आता है यहाँ पे 2.2 के, उसके बाद ये फिर 4 वोल्ट स्विच में बूस्ट कॉइल लेवल लगी रहती है ये B3 में आके D3 तक, ठीक है, और इसके चला रहे इसके फिर ग्राउंड के लिए आपका C3 होता है, C2 होता है, D1 होता है, और ये फिर यहाँ से A1 में PWM 1.8 वोल्ट देता है बाईपास डिस्प्ले से, और इधर की लाइन आती है आपका बी, इधर की लाइन आती है आपका 3700 ये अपना डिस्प्ले कनेक्टर में लगी रहती है, और उसके बाद हमारा लाइट बन जाता है यहाँ जब देता है। कुछ सर, मेरा नाम है जीवन रॉय, मैं वेस्ट बेंगल से। तो आज मैं एक 12 वोल्ट का आईसी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो मीडियाटेक कॉल काम कर रही है, वो एक यूनिवर्सल आईसी है जो वोल्टेज निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मोबाइल में मिल सकता है, सैमसंग में भी मिल सकता है, मीडियाटेक में भी मिल सकता है।
तो इसको वोल्टेज निकालने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए हमें बहुत चीज चाहिए, जो कमांड और ग्राउंड सप्लाई। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहले डीसी टू डीसी आईसी से 4 वोल्ट आ रहा है D3 में इन होके। उसके बाद हमें ग्राउंड भी चाहिए, 3 ग्राउंड जो C2 D1 में होता है। उसके बाद हमें इन चाहिए, वो पावर से होके A3 में 1.8 वोल्ट आ रहा है। इन आपको डिस्प्ले से भी मिल सकता है, डिस्प्ले से भी मिल सकता है, पावर से भी, पावर से भी मिल सकता है। उसके बाद हमें चाहिए कमांड की, कमांड सीपीयू से A2 और B2 में आता है 1.8 वोल्ट पावर, सीपीयू के माध्यम से 2.2 के एक रेजिस्टेंस के पुल अप रेजिस्टेंस के माध्यम से। और उसके बाद हमें चाहिए PWM जो डिस्प्ले कनेक्टर से होके A1 में PWM 1.8 वोल्ट आता है। उसके बाद और 2 कैथोड पॉइंट है जो B1 और C1 और डिस्प्ले कनेक्टर में जाता है। और सब कुछ ओके होने के बाद में हमें आउटपुट जो मिलता है वो भी पी से डिस्प्ले कनेक्टर में जो 15 वोल्ट से 45 वोल्ट तक, उसके बाद हमें डिस्प्ले का सप्लाई मिलता है। थैंक यू। आज हम लोग का ट्रेनिंग लाइट आईसी का क्लास हुआ था, जिसको लाइट आईसी को इनपुट देने के लिए सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी से 4 वोल्टेज चाहिए और उसके टीएम से प्लस बूस्टर बूस्ट कॉइल के थ्रू से D3 में 4 वोल्टेज मिला है। उसके बाद ग्राउंड चाहिए जो C3 और C2 में और C1 में ग्राउंड B1 में ग्राउंड हुआ है। उसके बाद हमें कमांड चाहिए जो CPU से हमें यहाँ से A1 A2 में 1.8 वोल्टेज और उसके बाद B2 में 1.8 वोल्टेज के साथ मिला है। उसके बाद PWM पावर आईसी से PWM जो डिस्प्ले कनेक्शन से आता है 1.8 वोल्टेज यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद पावर आईसी से A3 में EN 1.8 वोल्टेज मिलता है जो पुल अप रजिस्टर के साथ। और उसके बाद हमको सब कुछ सही होने के बाद आउटपुट निकालने के लिए B2 से यहाँ से निकल गए 10 से 50 रजिस्टर वोल्टेज के साथ 15 से 45 वोल्ट रजिस्टर के साथ हमें यहाँ पे डिस्प्ले जो कनेक्टर होता है उसमें मिलता है। ठीक है जी सर, मेरा नाम है दीपू, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आज हमारी लाइसेंसर जो क्लास थी जो भारतीय यूनिवर्सल आईसी की क्लास थी, आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले आईसी के रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, जो 4 वोल्ट आता है, इन होता है, B3 के आता है, वो डीसी टू डीसी आईसी के आता है। उसके बाद में हम लोगों को ग्राउंड की जरूरत होता है, जो 3 ग्राउंड है C3 C2 और D1 पे आता है। जो 4 वोल्ट आता है वो एक कोई बूस्ट कॉइल लगा होता है वो D3 पे आता है। उसके बाद में SCL कमन की जरूरत है, जो CPU से आता है, जो पावर एसी से 2.2 के रजिस्टर लगा होता है। उसके बाद में PWM डिस्प्ले कनेक्टर से 1.8 वोल्ट आता है। So the 4 volt we are getting it from DT to DC IC and
After that, the ground we have is these three ground we want. After that, we want enable signal from the power IC where we get 1.8 volt. And after that, we want command, which we are getting from the CPU, which is of 1.8 volt. And another one, the voltage we are getting is from the power IC. After that, we want PWM, which we are giving it to the connector. And the K1 and K2 is the cathode light, which we are giving it to LCM. So these two will give us the light section power. Thank you. हमारे साथ है 28 दिसंबर की बेट। यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। तो मेरे भाई टाइम क्या हो रहा है? 11 बजे आए कब थे? 10 बजे आए थे। 11 बजे जा रहे हैं? यस सर। मतलब 10 घंटे पूरे पड़े हम? यस सर। नहीं सर, 13 घंटे 13 घंटे 10 घंटे मतलब रोज ऐसा हो रहा है? तो शिकंस तो नहीं है माथे पे? नहीं सर। किसी भी प्रकार की? नहीं सर। तो चलिए, तो एक बार आप सब लोगों के लिए क्लैपिंग। वो काम करवा रहा हूँ जो एक टीचर करता है। yes, किसने बोर्ड पे जाके एक्सप्लेन करा? yes, sir. ये स्टूडेंट करता है कि ये टीचर करता है? टीचर। कौन करता है? टीचर। बाकी यहाँ एशिया टेलीकॉम में कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहे हैं। डायग्राम कौन बनाता है? आज किस किस ने मॉडिफाई करी आईसी निकाल के? सबने करी है। मैं बोल सकता हूँ कि लाइट सेक्शन अगर आपके पास कैसा भी आता है, वो D8 हो, D9 हो, D6 हो, PMI हो, जैसा भी हो, 63P हो, 6L1 हो, 6L2 हो, आप बनाने में सक्षम है। बनाने में इसलिए सक्षम है कि आपने एक केवल एक आईसी को प्रोटोकॉल समझ के उसको बाईपास करके और आपने उसका लाइट बनाया, मॉडिफाई करके लाइट बनाया। ऐसे बोर्ड में आपने आईसी को मॉडिफाई किया है कि ना तो उसमें CPU था, ना पावर था, ना MMC था, किसी भी प्रकार का कोई कुछ नहीं था। आपने केवल एक 4 वोल्ट की सहायता से उसका और मैनुअल तरीके से आपने उसको EN देके उसको चालू किया। yes, हुआ कि नहीं हुआ? yes, सबका हुआ चालू। yes, अच्छा, तीसरी बात ये कि हम DSO को अब कितने तारीख, हम जब 28 तारीख को आए थे तो हम मल्टीमीटर को ऑपरेट करना ठीक से जानते नहीं थे। yes, राइट। yes, और आज क्या पोजीशन है? yes, DSO चला रहे। कौन कौन चला रहा है DSO? यहाँ सब चला रहे हैं। और कल हमारी क्या क्लास है? प्लास्टिक कंपोनेंट माउंट रिमाउंट। ऐसा कोई सा भी हमारे पास ना तो जेक होना चाहिए, ना ही कोई इक्विपमेंट उसके अंदर लगा हुआ होना चाहिए, या कंपोनेंट होना चाहिए, ना तो जेक होना चाहिए, ना ही उसके हाइब्रिड सिम पे हेलो चार्जिंग जेक, हेडफोन जेक, हाइब्रिड सिम ट्रे, कोई सी भी चीज बाकी नहीं रहेगी। माइक्रो जम्परिंग फ्रंट लाइन पे, माइक्रो जम्परिंग विद जलेबी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्म।